हेलो स्टूडेंट, हमारे इस यूट्यूब के चैनल पर आपका एक बार फिर से मोस्ट वेलकम है। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं क्लास 12 का फिजिक्स चैप्टर नंबर 6, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का लेक्चर नंबर 7। तो आपको मैं याद दिला दूं तो लेक्चर नंबर 6 में बेटा हमने सीखा था कि जब वी यानी कि बेटा किसी रॉड की वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड और बेटा उसका लेंथ अगर एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं तो रॉड मैग्नेटिक फील्ड में चल रहा होता है तो सेल की तरह वर्क करता है, उसका ईएमएफ निकालना हमने सीखा था, ठीक है ना, वीवीएल होता था। आज हम वही केस लेंगे लेकिन चीजें वही रहेंगी बट केस चेंज हो जाएगा बेटा। आज हम बोलेंगे कि आज वी परपेंडिकुलर बी के नहीं है या एल के परपेंडिकुलर नहीं है। पिछला केस आपका क्या था कि बी परपेंडिकुलर टू वी और परपेंडिकुलर टू एल, तीनों एक दूसरे के मुचुअली परपेंडिकुलर थे, ऐसे हमने देखा था। बट आज का केस होगा जनरलाइज्ड, आज हम बोलेंगे जनरलाइज्ड केस। आज ऐसा केस होगा कि कहीं पे भी रहे कोई भी रहे आराम से काम किया जाएगा। ओके, तो आज का वीडियो थोड़ा मोड़ा लंबा जाएगा क्योंकि इस केस के बाद हम आपको कुछ क्वेश्चन करवाएंगे बढ़िया बढ़िया, तो मुश्किल से 45-50 मिनट का वीडियो बनेगा इस। तो यहां पे देखो जरा, जनरलाइज्ड केस क्या है बेटा, व्हेन बी, हम किसका टॉपिक पढ़ रहे हैं ये भी जान लो, मोशनल ईएमएफ है, मोशनल ईएमएफ यानी कि मोशन की वजह से बना ईएमएफ, ठीक है ना। तो हम बोले व्हेन बी वी एंड वेक्टोरियल इज आर नॉट मुचुअली परपेंडिकुलर, ठीक है। यानी कि अब की बार मान लिया बेटा हमने यहां पे एक मैग्नेटिक फील्ड बी ले लिया, ठीक है, हमने यहां पे एक मैग्नेटिक फील्ड बी ले लिया और हमने बोला कि यहां पे मैंने एक लंबाई ऐसे रख दिया, कोई कंडक्टिंग रॉड है बेटा ऐसे रख दिया। ओके, जिनका वेलोसिटी मैंने कहा कि ऐसे है, इनकी वेलोसिटी ऐसे है मैंने बोल दिया, ठीक है। अब क्या देख रहे हो, ये देखो ये एल है, वेक्टर एल, आप इधर भी पाओगे इधर भी पाओगे, आपकी मर्जी कहां लेते हो। तो अब की बार देखो बी और एल के बीच, अगर मैं पूछूं बी और वेक्टर एल के बीच कितना कोण है, बी एंड वेक्टर एल के बीच कितना अंश का कोण है, मैंने बोल दिया चलो मान लो थीटा कोण है, एंगल कितना हो गया इनके बीच का, थीटा हो गया, ठीक है। और मैंने कहा इस एल और वी के बीच कितना कोण है, चलो अल्फा मान लेते हैं, एल और वी के बीच कितना कोण है, चलो मान लेते हैं L एंड V के बीच का एंगल कितना है बेटा, अल्फा मान लेते हैं, ठीक है। चलो, अगर पीछे का वीडियो देख के आए हो तो आपको यह लेक्चर समझने में आसानी होगी कि अगर यह मैग्नेटिक फील्ड में चलेगा तो इस पर मतलब कि इसके जो भी इलेक्ट्रॉन होंगे उस पर नीचे की ओर फोर्स लगेगा, फोर्स लगने के बाद क्या होगा कि यहाँ पे माइनस यहाँ पे प्लस हो इकट्ठा होंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, एक समय ऐसा आएगा एट स्टेडी स्टेट। चलो मैं लिखता हूँ सीधे सीधे, एट स्टेडी स्टेट, ठीक है ना, अस्थाई अवस्था, जब इलेक्ट्रॉन ना तो ऊपर जाने वाला है और ना नीचे आने वाला, तब की हम बात कर रहे हैं। तो आप क्या पाओगे यहां पे कि जो एफ ई है ना, एफ एम के बराबर हो जाएगा, ठीक है। अब चूंकि सारा चीज वेक्टर में लेके चलना है तो अब चिन्ह सब लगाएंगे, एफ ई कितना हो जाएगा, आप कहोगे बेटा ई हो जाएगा इज इक्वल टू, और एफ एम कितना हो जाएगा, अगर आपने पढ़ा है एफ एम के लिए मैग्नेटिक फोर्स बराबर क्या होता है, क्यू वी बी, यही तो होता है। तो यहाँ पे चूंकि इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है तो क्यू की जगह क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा, ई वेक्टर वी क्रॉस वेक्टर बी, यही पढ़े हो, ये फार्मूला पढ़ गया हो, हमको बताना नहीं है। और चूंकि दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, माइनस, ठीक है ना, माइनस क्यों लग गया, अपोजिट इच अदर, अपोजिट इच अदर। चलिए इसी से यही कर दिया, ई का मान कितना हो गया, माइनस वेक्टर वी क्रॉस वेक्टर बी, चलिए कोई बात नहीं।
अब ये रॉड है मैग्नेटिक फील्ड में चल रहा है तो ईएमएफ बनेगा। और बेटा एक बात और समझ लो, अगर यह रॉड है इसके पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, अगर यह रॉड है इसके पास यह लंबाई का रॉड है, इसके पास क्या है एक इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो मैं पूछूं कि बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इसका एक पोटेंशियल बनेगा, पोटेंशियल बनेगा तो डेल्टा वी का मान कितना पड़े बेटा आप, डेल्टा वी बराबर आपने पढ़ा है माइनस ई इंटू एल पढ़ा है, ठीक है ना। डेल्टा वी का मान हमने क्या पढ़ा है माइनस ई इंटू एल पढ़ रखा है। आइए समझ में, अगर हम बोले कि इसके इसको छोटे छोटे पार्टों में काट दिया जाए तो एक पार्ट में कितना बनेगा वी का मान, पूरा नहीं लेंगे अब की बार पूरा नहीं है ना, एंगल पे है। हमने कहा मान लो छोटे छोटे लेंथ पर काट दें, बहुत छोटे छोटे लेंथ पर, तो एक पर कितना बनेगा। तो कहोगे सर डी वी बराबर हो जाएगा माइनस ई इंटू डी एल, बहुत छोटी लंबाई बहुत छोटा पोटेंशियल डिफरेंस बनेगा, बस खत्म बात है। देखो जरा डी वी इज इक्वल टू माइनस ई इंटू क्या हो गया डी एल हो गया, वास्तव में डॉट होता है। अब ई का मान कितना है, यहां से पकड़ लो ई का मान कितना ला के रखे हो, ई का मान है माइनस माइनस दोनों प्लस हो जाएंगे वेक्टर वी क्रॉस वेक्टर वी और ये हो गया डी एल। ओके वेक्टर वी क्रॉस वेक्टर वी ये हो गया डी एल। मैंने कहा दोनों पक्षों का समाकलन कर दियो तो हो जाएगा, अभी तो छोटा सा निकालना टोटल निकालना हमको वायर का, तो ये हो जाएगा वेक्टर वी क्रॉस वेक्टर वी और ये डी एल, अरे पूरा समाकलन कर दिया, ये हो जाएगा वी 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 सॉरी बेटा स्मॉल वी बन रहा है क्या, पोटेंशियल डिफरेंस वाला वी है, ठीक है। तो पूरा हो जाएगा वी, और वी और वी भी क्या है कांस्टेंट है। यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या है वेक्टर वी क्रॉस वेक्टर वी क्या है बेटा कांस्टेंट है। तो यहाँ पे हो जाएगा बाहर निकल जाएगा वेक्टर वी क्रॉस वेक्टर वी, और बेटा एल 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 कितना हो जाएगा हो जाएगा एल, लो काम खत्म ए वेक्टर यार। अच्छा कि वी क्या है एक स्केलर प्रोडक्ट है, वोल्टेज तो एक स्केलर प्रोडक्ट होता है ना, स्केलर है तो ये इनके और इनके बीच क्या होगा इनकी, अभी देखो ये क्या है ये अभी बेटा आपका वेक्टर है या अभी वेक्टर लेंथ है, वेक्टर लेंथ लिया जाता है डायरेक्शन के साथ लिया जाता है, तो इनके बीच क्या होगा डॉट होगा। जब दो सदिशों का गुणनफल एक स्केलर आता है तो उसे डॉट बोलते हैं ना, डॉट प्रोडक्ट होता है। क्लास इलेवंथ में नहीं देखी हो तो वीडियो जाके देख लो, और नहीं कोई बात है तो सीधे जानो कि जब दो सदिशों का गुणनफल एक स्केलर क्वांटिटी आती है तो ये डॉट वाला प्रोडक्ट होता है, ठीक है ना। ये वास्तव में डेल्टा वी होता है, वास्तव में क्या होता है डेल्टा वी होता है, सिरों के बीच विभवांतर होता है, कोई एक बिंदु पर हमने एक बिंदु की सहायता से हम पोटेंशियल नहीं बता पाएंगे, कंपेयर करना पड़ता है। तो इसी को हम लिख लेंगे ऐसे ई बराबर वेक्टर वी क्रॉस वेक्टर वी डॉट वेक्टर एल, ठीक है ना। बढ़िया से बनाऊं तो मैं बताऊं क्या होगा, देखो एक बार इनको निकाला जाएगा, अभी मैं सवाल लूंगा इनको कैसे निकाला जाएगा, E बराबर वी बी साइन थीटा, ठीक है डॉट वेक्टर एल, ठीक है। अब यह डॉट के साथ लगा है, यह है क्वांटिटी, है क्वांटिटी डॉट में है, तो क्या हो जाएगा E बराबर वी बी साइन थीटा इंटू एल कॉस थीटा हो जाएगा। अरे भाई ए डॉट बी बराबर क्या होता है ए बी कॉस थीटा ही तो होता है, और ए क्रॉस भी क्या होता है ए बी साइन थीटा होता है। अब देखो बी क्रॉस बी है तो इनके साथ साइन लगेगा, और पूरे के साथ डॉट लगा है तो इनके साथ कॉस लगेगा। वास्तव में साइन जो ए थीटा है वी और बी के बीच से एंगल है, और जो बेटा एल है मतलब ये जो थीटा है कॉस वाला वो है वेक्टर वी क्रॉस वेक्टर वी और एल के बीच का कोण है। पहले इनका डायरेक्शन निकालना पड़ेगा और एल का देखना पड़ेगा उनके बीच का एंगल है। आई बात समझ में, यह पूरा मिला दिया गया ना, फिर सुनने का बेटा जो साइन वाला थीटा है ना यह वी और बी के बीच का एंगल है, और जो कॉस थीटा वाला है पहले वी और बी का देखना पड़ेगा किधर है, स्क्रू से देखो चाहे राइट हैंड निकाल के देखो अपना, ठीक है। तो उनका डायरेक्शन जो होगा
मान लो सपोज करो वी क्रॉस बी का ऐसे हो और एल ऐसे हो, तो इनके यानी कि ए बेटा आपका है वी क्रॉस बी का डायरेक्शन ये है और एल इधर है, तब के बीच का एंगल ए वाला है ए वाला। अभी क्वेश्चन कराएंगे आपको बढ़िया बढ़िया, ये समझ में आ गया ना? बस ये आप याद रखना, यही है बेटा आपका क्या, यही है आपका वेक्टर फॉर्म। इसको जिसको बढ़िया से लर्न हो गया, इसके बाद कुछ याद नहीं करना, सारे क्वेश्चन लग जाएंगे, पीछे वाला लेक्चर बेकार का जाएगा, ऐसे जान लो पीछे का लेक्चर बेकार का जाएगा। मुचुअली अगर परपेंडिकुलर देखो, अभी तो अभी यहाँ पे नहीं मिलेगा। क्वेश्चन लेते बेटा, इसको मिटाते क्वेश्चन लेते हैं। तो चलो बेटा एक क्वेश्चन लगा के आपको दिखाते हैं बढ़िया सा, कि हाँ लगता है कि हाँ सही है। पीछे वाले में साइन का सेक्के में था तो दोनों तुम 90 ले रहे थे, जीरो आ जाता नहीं, किस सारे लेंगे, परेशान ना होइएगा। यहाँ पे देखिए आराम से क्वेश्चन, मान लो मैंने कोई नॉर्मली ले रखा बेटा, मान लो कोई ए इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है ना, ये मान लिया कोई इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड है, हाई देखो यह कंडक्टिंग रॉड है, ओके, और ए बी है इनवर्ड है, कंडक्टिंग रॉड की लंबाई एल है, वी वेग से चल रहा है इसे, तीनों एक दूसरे के मुचुअली परपेंडिकुलर, जैसे ऐसे देखो जरा, एक ठो अंदर जा रहा है, हाई इधर यहाँ भाग रहा है, एल इधर भाग रहा है, वी इधर भाग रहा है, तीनों एक दूसरे के मुचुअली परपेंडिकुलर, हैव यू एनी प्रॉब्लम सर, नो एनी प्रॉब्लम, ओके। चलो अब हम एक काम करते हैं, अपना फार्मूला जो याद करो, अभी जो लिखे हो ना वही लिख लो, क्या क्या लिखे हो, E बराबर V क्रॉस B और डॉट वेक्टर L, ठीक है ना, V क्रॉस B, V तो वही है, यानी कहोगे सर V B साइन थीटा वेक्टर L, अच्छा V और B के बीच एंगल कितना है, B अंदर और V इधर, दोनों के बीच एंगल 90 डिग्री, तो यहाँ पे कहोगे सर V B साइन 90 डॉट वेक्टोरियल। अब चलिए देखियो जरा, V और B और साइन 90 का मान 1 होता है, तो V B डॉट वेक्टोरियल, अब V V और L के बीच एंगल कितना है, ऐसे नहीं एक बात करते हैं। अब देखो पहले वेक्टर V और वेक्टर V B के क्रॉस का डायरेक्शन क्या है, अगर आपको क्रॉस का डायरेक्शन निकालने आता है तो राइट हैंड थंब रूल करोगे V से B की ओर, V से B की ओर चलोगे, यानी कि बेटा अगर ऐसे देखो V इधर है, B अंदर की ओर है, V इधर ऐसे, ठीक है ना, तो आप क्या करोगे V से B की ओर, V से B की ओर, V से B की ओर, V से B की ओर ऊपर, यानी कि आप देख क्या रहे हो कि ऊपर है डायरेक्शन किसका, वेक्टर V क्रॉस वेक्टर B का, और उधर L है, क्यों, तो क्या कहोगे V B L cos 0 डिग्री, इनके इनके बीच का डिग्री जीरो हो गया, तो आप बोलोगे E बराबर V B L, अभी पीछे ही पढ़ के आए हो, पिछला लेक्चर देखे हो तो यही था ये। अब आपको एक ही चीजों में एक ही क्वेश्चन में मतलब कि डायरेक्शन जिसको निकालने नहीं आता उनको दिक्कत हो सकती है बेटा, और जो पीछे के प्रीवियस लेक्चर नहीं देख के आए हैं उनको तमाम दिक्कतें होंगी, जहाँ पे मैंने हाथ घुमाना सिखाया था आपको, ठीक है ना, हाथ घुमाना सिखाया था, तो इसको मिटा के कुछ केस देखते हैं कि कहाँ कहाँ पे ईएमए अब जीरो होता है, कहाँ कहाँ बनता है, और कुछ आपको स्पेशल चीज़ें देते हैं कि आप जान जाओ कि ये करना बेकार है, जीरो आएगा, देते हैं बेटा, मिटाते हैं इसको। तो देखो बेटा ये तीन क्वेश्चन भी हैं और कह सकते हो कि कॉन्सेप्ट भी हैं, पीछे वाला भी एक कॉन्सेप्ट ही था, अभी एक कॉन्सेप्ट ही है, तीनों बढ़िया से देखना, यहाँ पे आपको कुछ कंक्लूजन मिलेगा और उसको नोट करोगे तो हमेशा के लिए सफल रहोगे। देखो जरा पहले वाले में क्या मैंने करा, बी इधर है मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, वी इधर है वेग वेलोसिटी इधर है, एल इधर है, ये अपना एल चाहे ऊपर लो चाहे नीचे आपकी मर्जी, ये जान लो, घबराओ बिल्कुल ना, इधर मन उधर ले लो, वैल्यू वही आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, और उधर ही लेते हैं, मैं तो बोलूँगा उधर ही लेते हैं जिधर आपका एक्यूट एंगल बने, तब थोड़ा बढ़िया रहता लगाने, माइनस प्लस झंझट खत्म रहता है। तो देखो जरा E बराबर हमने पढ़ के आया है अभी अभी V क्रॉस B डॉट वेक्टोरियल V B, V और B के बीच का एंगल कितना आएगा, V फिर लिख लो पहले भाई, V V साइन थीटा वेक्टोरियल, V और B के बीच का एंगल है, देखो जरा इधर है VO है इधर है BO है, इनके बीच का एंगल कितना आएगा, जीरो आएगा, तो ये हो जाएगा बेटा जीरो, अरे ये तो ऊपर सॉरी वेक्टर नहीं रहेगा बेटा, ये
ये तो आप कुछ भी रहे क्या करना, जीरो से मल्टीप्लाई करोगे जीरो ही आएगा यार। चलो यहाँ पे आ जाओ, फिर वही काम, E बराबर वी क्रॉस बी और हाई डॉट वेक्टर एल हो गई हो। चलिए V और B, चलो यहाँ पे करते हैं वी बी साइन थीटा, वी बी साइन थीटा डॉट वेक्टर एल। वी और बी के बीच का एंगल, वी और बी के बीच का एंगल अगर देख रहे हो तो 90 डिग्री बना रहा है, तो मैं बोलूँगा वी बी वैसे ही रह जाएगा, नहीं क्या दिक्कत है, और ये डॉट वेक्टर एल। चलो तो यहाँ पे लिखना चूंकि थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब V क्रॉस B का क्या है डायरेक्शन, V क्रॉस B का क्या है डायरेक्शन, देखो V से B, V से B अंदर, V क्रॉस B का अंदर है और L ऊपर है, देखो B क्रॉस B का अंदर है L ऊपर, इनके बीच का एंगल 90, यानी कि आप बोलोगे सर ये हो जाएगा वी बी एल कॉस 90, पूरा लेके जीरो हो गया, फिर जीरो हो गया क्योंकि कॉस 90 की ओर जीरो होती है। राइट हैंड ए क्रॉस बी, ए से बी की ओर राइट कुछ लिख, चलो राइट हैंड को अंगूठा जहां बताएगा, ई बराबर नीचे वाले में लिख लो वी क्रॉस बी डॉट वेक्टोरियल, वी और बी के बीच का एंगल, अब की बार भी आपको लग रहा है कि सर 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 90 होगा, वी और बी के बीच का एंगल हो तो फिर कहोगे सर 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 वी बी हो जाएगा, एल हो जाएगा वी बी एल कॉस थीटा। अब इस वी और बी का क्या डायरेक्शन, पर इनका देखो डायरेक्शन किधर गया, वी और बी, वी से बी की ओर ऐसे आएगा, देखो ऐसे जाएगा ऐसे यो अंदर जा रहा है वी से बी की ओर, अरे भाई ये देखो इधर वी है इधर बी है तो वी से बी की ओर जाओगे तो अंदर नहीं जाएगा, अंदर ही जाएगा, और यल इधरिया है वो अंदरवा जा रहा है, देखो यल इधरिया है वो अंदरवा जा रहा है, यल इधरिया है इसी 90 डिग्री बना रहा है तो फिर है कितना आ जाएगा जीरो। अच्छा एक बात क्या, आप देखो तीनों में एक जीरो आ रहा है, यहाँ भी ई का मान जीरो ही आया, पता है क्यों, यह बात नोट कर लो, जब जब वी वेक्टर वी वेक्टर वी एंड वेक्टर एल में कोई दो पैरेलल हो गए, कोई दो पैरेलल हो तब ई बराबर जीरो आता है, ई एम एफ का मान जीरो आता है, कोई दो पैरेलल हो गए तब जीरो आ जाएगा ई का मान, कोई एम एफ नहीं बनने वाला उनके पास, क्यों देखो जरा इस वाले केस में क्या है, वेक्टर बी पैरेलल वेक्टर बी है कि नहीं है, इस वाले में क्या है वेक्टर एल पैरेलल वेक्टर वी, एक के दूसरे पे है ना, एक के और तो है, इस वाले में क्या है वेक्टर एल पैरेलल वेक्टर बी, देख सकते हो जब इन तीनों में से कोई दो पैरेलल हो गए तो ई एम एफ नहीं बनने वाला, ये बात अपने माइंड में सेट कर लोगे तो बहुत सारे क्वेश्चन ऑटोमेटिक सॉल्व हो जाएंगे। इसको मिटा के बेटा आगे चलते हैं, कुछ क्वेश्चन करते हैं। तो देखो बेटा दो क्वेश्चन आपके लिए बेहद मजेदार, और आप लगा भी ना पाओ शायद शुरुआत में, कहीं गलत कर दोगे, पक्का गलत कर दोगे। पहले क्वेश्चन देखो कि मैंने क्या लिखा है, फाइंड इंड्यूस्ड ईएमएफ इन कंडक्टर एंड ड्रॉ इमेजिनरी सेल, इसकी सहायता से इमेजिनरी सेल भी ड्रा करनी है आपको, ठीक है, ईएमएफ बताना है। मैं ऐसे ही बोल सकता हूं कि वी ए माइनस वी बताना है कितना होगा, यहां भी बोल सकता हूं कि वी ए माइनस वी बी कितना होगा बताओ, क्यों वो तो माइनस में भी आ सकता है प्लस में भी आ सकता है। चलो देखो जरा, ए इन्वायर्ड मैग्नेटिक फील्ड बी है, ए जो रॉड है ऐसे बी एंगल पे चलाया जा रहा है, ए एंगल एल और वी के बीच का 37 डिग्री है, ई का मान मन्ने पूछा कितना होगा तो आपने रटा है ई बराबर वेक्टर, रटा नहीं यार पढ़ा है डॉट वेक्टर यार। अच्छा वी और बी के बीच का एंगल कितना, 37 अंश, तो कहोगे वी बी साइन 37 अंश, ओहो 37 अंश डॉट वेक्टोरियल, तनी बढ़िया से देख लो, गलती है ये, गलत है, कहाँ देख रहे हो, देखो वी और बी के बीच का एंगल है, देखो बी अंदर की ओर जा रहा है, बी अंदर की ओर और वी इधर, ये बताओ कितना होगा, 37 होगा बुबाओ 90, अरे 90 होगा हाँ, ये कितना होएगा 90 डिग्री। इन सब क्वेश्चन थोड़ा ध्यान देके चलियो,
अब यहाँ पे और मजेदार बातें आपको बताने वाला हूँ मैं। ये देखो जरा, ये हो जाएगा वी बी और एल कॉस थीटा लग जाएगा। अब वी क्रॉस बी का क्या होगा डायरेक्शन? वी क्रॉस बी का क्या होगा डायरेक्शन? वी वी से बी की ओर। हाई देखो, अब तुमको मैं दिखाता हूँ बी और हाई देखो भाई हमारा वी है, ऐसे वी है, ऐसे तिरछा गया है। वी से बी की ओर ऐसे जाएगा, पता नहीं कहाँ जाएगा। अब यहाँ पे और राइट हैंड थंब रूल नहीं काम करेगा, करेगा तो लेकिन एक्यूरेट नहीं बताएगा ना वो। अब यहाँ पे हम जानते हैं चूंकि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर अगर वेक्टर सी है तो जो वेक्टर सी होता है ना वह वेक्टर ए के ही परपेंडिकुलर होता है और जो वेक्टर सी होता है वह वेक्टर बी के ही परपेंडिकुलर होता है। तो जो बेटा वेक्टर वी क्रॉस वेक्टर बी आया है वह बी के परपेंडिकुलर होगा, वी के परपेंडिकुलर होगा। आपने राइट हैंड निकाला तो ऐसे बता दिया इधर ही जाएगा, तो ऐसे बनाया होगा आपने। यही हमारा डायरेक्शन किसका है? वेक्टर वी क्रॉस वेक्टर बी का है डायरेक्शन बेटा। यही ध्यान दिए ना बढ़िया से। अब हमने क्या कहा कि वी और इसका यही वास्तव में वेक्टर सी है, यही वास्तव में क्या है वेक्टर सी है। जो ये वेक्टर आया है आपका वह बी के तो परपेंडिकुलर है ही, देखो बी के तो परपेंडिकुलर है ही, बी के परपेंडिकुलर तो है ही है। अब इसके ही परपेंडिकुलर होना चाहिए, यानी कि एंगल कितना होना चाहिए 90 डिग्री। यह एंगल कितना होना चाहिए बेटा 90 डिग्री। अब जिनको बेटा अब वेक्टर वेक्टर समझ में नहीं आता अब उनकी खोपड़ी आगे पीछे हो रही होगी, ठीक है ना। मैं जानता हूँ क्योंकि अभी इस क्वेश्चन बेटा ऐसे नॉर्मली नहीं लगने वाले हैं, बुद्धि तो लगानी पड़ेगी, क्लास 12 में पढ़ रहे हो, ठीक है ना। कितना तुमको बताऊँ ट्रिक, ट्रिक बताऊँगा तो ट्रिक का ही भरमार हो जाएगा, कुछ भुला जाएगा सब कुछ। हाई कुल चीज़ें आपको जाननी चाहिए। अगर वेक्टर ए वेक्टर बी क्रॉस प्रोडक्ट है तो वेक्टर सी आएगा, वह ए के परपेंडिकुलर और बी के परपेंडिकुलर होगा। है यह वेक्टर सी है जो कि बेटा देखो यही वेक्टर सी है, मान लो ये इसके ही परपेंडिकुलर है, इससे ही परपेंडिकुलर है, दोनों के परपेंडिकुलर। यानी कि जो V क्रॉस B का डायरेक्शन आया है वह V के ही परपेंडिकुलर है और B के ही परपेंडिकुलर। तो V के यानी कि एंगल 90 हो जाएगा, B के 90 तो है ही। अब बताओ बेटा, अब हमने पढ़ा है इसके और L के बीच का एंगल। L आपका कहोगे सर इधर यहाँ भी जा रहा है, इधर यहाँ भी जा रहा है, तो मैंने बताया आपको ना आशा होता है एक क्यूट एंगल ले लो, एक यानी कि ये वाला एंगल पकड़ लो फटाक से। कितना आवेगा जानते हो? 90 पूरा 180 होता है, 90 37 कितना होता है 127, बचा 53 डिग्री है ही ले लेगा। अब ये अब कहोगे सर 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 वी बी एल साइन 53, अरे कॉस 53 अंश। अब कहोगे सर कॉस 53 अंश का मान, इसीलिए कहते हैं वीडियो को गिव अप ना किया करो। बहुत सारी बातें मैं बताऊंगा, अगर कंठस्थ हो गई तो जीवन भर नहीं भूलेगा और बड़े बड़े क्वेश्चन को यूं ही चुटकियों में लगाते रहोगे। देखो ये ट्रायंगल, देखो यह है बेटा, मान लो यह तीन है चार है पांच है, तीन है अरे चार है और ये क्या है पांच है, वो तो होना होना है। तीन चार स्क्वायर करोगे दोनों को जोड़ोगे पांच आएगा आएगा। तो इस वाले के लिए यह डिग्री होती है 53, ठीक है ना। 53 के लिए मतलब कि ट्रायंगल बना ही है 53 डिग्री के लिए, तीन चार पांच लाइन से ऐसे चलाया गया। बेस 3 है, परपेंडिकुलर लाइन 4 है, हाइपोटेनियस कितना है बेटा आपका 5 है, तो हाई एंगल कितना देगा? बड़े के सामने वाला बड़ा कोण और छोटे के सामने हाई तो 90 है ही, और हाई कितना हो जाएगा तब बेटा? ये हो जाएगा 37 डिग्री। बड़े के सामने वाला बड़ा कोण, छोटे के सामने वाला छोटा कोण, बस ये जिसको याद हो गया बहुत सारे सवाल ऐसे लग गए बेटा। अब बताओ कॉस 53 का मान आधार बट्टे कर्ण 3/5 आएगा, तो कहोगे 3/5 वी बी एल। तो आज के बाद से ये हमारा ट्रायंगल याद कर लो, 3 4 5, बड़े के सामने बड़ा छोटे के सामने छोटा। अब यहाँ 3 यहाँ भी हो सकता है 3 4 5, जब यहाँ 4 आएगा था 53 बनाएगा, जब यहाँ 3 आएगा था 37 बनाएगा, ठीक है। तो ये ट्रायंगल आपको लर्न कर लेना, ठीक है ना, बहुत इम्पॉर्टेंट, बहुत किफायती आपके लिए होगा। चलो यहाँ पे आओ, अब ये सवाल देखते हैं, फिर वही काम करेंगे कहानी बना। अच्छा एक बात और, एक बात और, एक बात और, ड्रा करना है सेल को, इमेजिनरी सेल को ड्रा भी तो करना है,
किधर प्लस जाएगा, ए की ओर प्लस जाएगा कि बी की ओर प्लस जाएगा? तो आई देखो जरा, वी बी वी बी, हाई देखो, ऐसे लपेटोगे जब वी से बी की ओर लपेटोगे ना, ऐसे देखो वी, देखो आई वी है और आई बी है, लपेटोगे 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 तो इधर ही आ रहा है, अंगूठा थोड़ा मोड़ा भी इंडिकेट कर देगा उधर, तो वही पाँच प्लस का होगा, अंगूठा तो इधर ही बता रहा ना, वी से भी जाओगे तो इधर ही जाएगा। इसको 3D में सोचो, 2D में अगर सोचोगे तो पक्का समझ में नहीं आएगा। इसको फील्ड में उतारो, बी इधर है वी इधर है, इसको ऐसे लपेटोगे तो इधर हमारा अंगूठा जाएगा, तो इधर वाला हमारा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। देख लो जरा, तो ये हो जाएगा बेटा सेल, ऐसे बनेगा इमेजिनरी वाला, ये पॉजिटिव बनेगा और ये क्या बनेगा, नेगेटिव। या ए है और यह क्या है, वी है। अगर कोई कहता है कि वी ए माइनस वी बी कितना होएगा, तो सीधे बोलोगे 3/5 वी बी एल। अगर कोई कहता है कि वी बी माइनस वी ए कितना होएगा, तो -3/5 वी बी एल। दोनों सही है, ठीक है, बदल गया ना चिन्ह, बदल गया तो चिन्ह बदल जाएगा। चलो इसका दूसरा वाला पार्ट करते हैं बेटा। हमने पढ़ा फार्मूला E = वेक्टर वी क्रॉस वेक्टर बी डॉट वेक्टर एल। ओके, अब की बार हमने कहा कि v क्रॉस b यानी कि vb साइन थीटा होएगा, वही हो जाएगा आपका vb साइन थीटा। अच्छा v और b के बीच का एंगल कितना है, जरा देख लेते हैं v और b के बीच का एंगल। तो देखो जरा, b बाहर की ओर, अब की बार है b बाहर की ओर है, इन मतलब कि आपका मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड है ना, ये बिंदु दिखाता है, और ये v इधर वी है, तो दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री। तो आप बोलोगे सर 90 हो जाएगा वी बी, और 90 की वैल्यू 1 होती है, तो एल कॉस थीटा। अच्छा वी क्रॉस बी का क्या होगा डायरेक्शन, वी क्रॉस बी का डायरेक्शन क्या होगा, अब की बार देखना। यहां पे मैं आपको कुछ ऐसे पहलू बताऊंगा कि आपको कभी भी दिक्कत नहीं होगी निकालने बेटा, क्योंकि इसमें बहुत सारे बच्चे गलतियां कर जाते हैं, हाथ घुमाने नहीं आता। यहाँ पे मैं आसानी से तो घुमा लेता हूँ, बट आप नहीं घुमा पाओगे आराम से, उसके लिए आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। देखो जरा, बी आउटवर्ड है बी इनवर्ड है, ठीक है ना, सॉरी वी आउट, बी आउटवर्ड है, वी आपका इधर है, क्रॉस निकालना है इनका किधर जाएगा, और जो भी क्रॉस यानी कि वी क्रॉस बी होगा वह V के ही परपेंडिकुलर होगा और B के ही परपेंडिकुलर होगा, यानी कि वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होगा और मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होगा। चलो इसको निकालने के तरीके, कुछ लोग क्या करेंगे कि कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे बेटा जो V से B की ओर आएंगे, V से B की ओर आएंगे तो, V से B की ओर आएंगे तो उनको लगेगा हम V से B की ओर आ रहे हैं, ये इधर बताएंगे इधर जाएंगे, लेकिन नहीं, आपको हमेशा इस लाइन को यानी कि इसके सर्कमफेरेंस को जो इसको ज्वाइंट कर रहा है इस खाली भाग में लेके चलना है, इधर नहीं इधर नहीं, इधर से कुछ नहीं होने वाला, इस खाली भाग से। और देखो वी से बी, वी से बी, वी से बी, वी से क्या हो जाएगा बी, हालांकि इधर जाओगे तो गलत नहीं होगा, लेकिन डायरेक्शन पक्का वहां पर गलत करने वाले कर देंगे। V से B आपको देखो, अब यहाँ पे खाली जगह पर मिला, खाली जगह में V से B की ओर आएंगे, V से B, V से B, V से B, अंगूठा कुछ इधर दिखा रहा है, अब हमको उधर दिखा रहा है, तो हम ऐसा बात थोड़ी कि यहाँ बना लेंगे, ऐसी बना लेंगे ना, हम गेस करेंगे कि जो हमारा ये V क्रॉस B आएगा ऐसे, जो V क्रॉस B आएगा हमारा वह इनके ही परपेंडिकुलर हो और मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होना ही चाहिए। ये मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर हमेशा होगा, ये मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर हमेशा होगा, ये कोई रोक ही नहीं सकता, इनके ही परपेंडिकुलर होना चाहिए, बस यही दिखा के वाला बनाएंगे हम, मतलब कि डायरेक्शन। अच्छा ये 90 हो गया, तब ये कितना बचा, ए 180 पूरा, 60, 90, 150, 30 बचेगा। तो यहाँ पर क्या बोलेंगे बेटा, ई बराबर वी बी एल साइन, अरे कॉस 30 डिग्री, कॉस 30 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2 वी बी एल। चलो अब हमको बताना है बेटा, अब हमको ये बताना है कि इसका इमेजिनरी सेल ड्रॉ, इमेजिनरी सेल करना है ना, तो अब किधर प्लस किधर माइनस, V से B की ओर जाएंगे, 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 तो देखो फिर से वही बात, वी बी,
वी से बी की ओर जाएंगे, हमारा अंगूठा एट लास्ट, हमारा अंगूठा एट लास्ट किधर जा रहा है, इधर जा रहा है कुछ ऐसे। देखो वी से अगर बी, इस पे देखो आप वी से बी की ओर जाओगे एट लास्ट कुछ इधर जा रहा है, यानी कि यह वाला पोर्शन क्या बनेगा, पॉजिटिव बनेगा, और ये वाला पोर्शन क्या बनेगा आपका बेटा, नेगेटिव बनेगा। थोड़ा मोड़ा भी अंगूठा इधर इंडिकेट करता है उधर बने ना पॉजिटिव, और नहीं करता है तो फिर कुछ तो करेगा ही करेगा, कुछ करेगा तो थोड़ा मोड़ा भी अंगूठा देखो V से B, यानी कि V से B 3D में सोचो तो बढ़िया से मिलेगा, यानी कि इधर वाला कुछ पॉजिटिव दे रहा है तो उधर वाला पोर्शन नीचे वाला हमको मिलेगा, नीचे वाला क्या होएगा आपका पॉजिटिव, और यह वाला क्या होएगा नेगेटिव, ठीक है ना। तो इन सब सवालों में थोड़ा मोड़ा गेस कर लेते हैं कि थोड़ा मोड़ा भी इधर अंगूठा इंडिकेट कर रहा है उधर पॉजिटिव ले लेंगे, बाकी जो बचता है नेगेटिव होगा, ठीक है ना। तो बेटा ये वाला क्वेश्चन होता है ओवर, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अब देखो बेटा अगला क्वेश्चन मैंने आपका थोड़ा बोझ कम, उस नॉर्मल क्वेश्चन ले लिया, थोड़ा बोझ आपको कम कर दिया जाए। देखो जरा आपने देखो यहाँ पे क्या है, यल ऐसे है, बी ऐसे है, बी अंदर ही है, तीनों मुचुअली परपेंडिकुलर है, तो कोई एंगल वंगल नहीं लेना। आप कहोगे सर ई बराबर वी बी एल हो जाएगा, ठीक है ना, तीनों मुचुअली परपेंडिकुलर है तो टेंशन क्या है हाथ घुमाना यार, कोई सब नए काम करेंगे। इमेजिनरी सेल ड्रा करो तो कैसे होगा, वी से बी की ओर, देखो ऐसे है वी और बी है, वी से बी की ओर, वी से बी की ओर अगर आओगे ना, वी से बी की ओर, तो अंगूठा इधर जाएगा, ए पॉजिटिव होगा आपका, ये क्या होगा बेटा पॉजिटिव, और इधर वाला बचा तो क्या होएगा नेगेटिव होएगा। अगर मान लो मैं इसका नाम ए दे दूं बी दे दूं तो ये हायर पोटेंशियल होगा, ए वाला क्या होगा हायर पोटेंशियल, बी वाला क्या होगा लोअर पोटेंशियल। तो आप कहोगे सर वी ए माइनस वी बी बराबर कितना आएगा, वी बी एल आएगा, क्योंकि हायर से लोअर को घटा रहे हो, और अगर लोअर से हायर को घटाना पड़ जाए तो वी बी माइनस वी तो नेगेटिव में आएगा, वी बी एल, ये बात याद रखियो। पीछे मैंने दिखाया था तो लास्ट वाले में शायद नहीं दिखाया था, यहाँ पे आ जाओ। एक बढ़िया क्वेश्चन आपकी, एक और बढ़िया क्वेश्चन आपके सामने पेश करते हुए देखिए, यहाँ पे एक बेटा सेमी सर्कल है, सेमी सर्कल है, सेमी सर्कल टाइप का वायर है, वी से ऊपर की ओर जा रहा है, इन्वायर्ड मैग्नेटिक फील्ड है, दो चीज आप समझ रहे हो, यानी कि इन्वायर्ड मैग्नेटिक फील्ड अंदर, अरे अंदर की ओर है और वी ऊपर की ओर, दोनों एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर, ओके। चलिए अब आप कहोगे सर एल 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 कैसे लेंगे, एल तो पूरा यहाँ से यहाँ तक जा रहा है, तो मैं बेटा यहाँ पे भी आपको बताने वाला हूँ कि इनका डिस्प्लेसमेंट लेंथ लेते हैं, टोटल लेंथ नहीं लेते, इन सब क्वेश्चन में क्या लेते हैं डिस्प्लेसमेंट लेंथ, और यहाँ पे जो भी बी चल रहा है ना, अगर नहीं समझे तो जो भी बी चला सब यूनिफॉर्म बी है, सब कॉन्स्टेंट भी है, कोई वेरिएबल भी हमने अब तक नहीं लिया है। तो डिस्प्लेसमेंट लेंथ अगर लेंगे डी आई एस पी एल एस डी ई एम आई एन टी, डिस्प्लेसमेंट लेंथ कितना आएगा बेटा, छोटी दूरी आर आर कितना हो जाएगा 2R। अब काम करो, हाई देखो यह लंबाई हो गई इसकी, यह लंबाई हो गई, यह V हो गया अंदर भी, तीनों दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो गए। हमने पढ़ा है E बराबर V V L म्यूचुअली परपेंडिकुलर के केस में, तो E बराबर हो जाएगा V V L का मतलब 2R, E बराबर 2 V V R। इमेजिनरी सेल ड्रा करनी है तो V से B की ओर घुमाओ हाथ, V से B की ओर, V से देखो V से अंदर B की ओर घुमाओगे तो अंगूठा इधर जाएगा, ए प्लस और ये क्या है माइनस, ठीक है। तो एक क्वेश्चन ओवर होता है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो बेटा ये देखिए आपके लिए एक बढ़िया सा क्वेश्चन लाते हुए, बेहद शानदार क्वेश्चन, जहाँ पे लगाने में दिक्कत आपको हो सकती है, बट अभी मैं आपको तरीके बताता हूँ। यहाँ पे नोट करिएगा कि B और V कांस्टेंट है, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी जो है ना दोनों कांस्टेंट है। तो अब पूछ रहा है कि EMF कितना होगा इस लूप का, लूप है, लूप का बेटा लेंथ L L A A, ओके। तो हमने सीधे सीधे मैं बोलता हूँ, हमने पढ़ा है फार्मूला E बराबर वेक्टर V क्रॉस वेक्टर V डॉट वेक्टर L, ओके। इसको लगाने के लिए हमारे पास तरीके हैं बेटा, कई तरीके हैं, बस देखो ध्यान से। अच्छा एक बात देखो जरा, चार लेंथ इनके पास है, चार लेंथ इनके पास है, ये अलग ये अलग ये अलग ये अलग। मैं अगर बोलूं कि देखो ए है बी है सी है डी है,
तो टोटल ई का मान एक बार देगा बेटा ए बी देगा, और एक बार बी सी देगा, और एक बार क्या देगा डी सी देगा, और एक बार कौन देगा डी ए देगा। चारों लोग देंगे अपना अपना, टोटल जो बनेगा ये हमारा होगा। एक बात और जान लियो, लेकिन कॉन्सेप्चुअल है क्वेश्चन। अब देखो ए बी, ए बी हमारा वेलोसिटी के पैरेलल है, ए बी वाला जो लेंथ है वह वेलोसिटी के पैरेलल है। अब मैं जानता हूँ इन तीनों, अगर तीनों में से कोई दो अगर पैरेलल हुए तो उस रॉड का ईएमएफ कितना होता है, जीरो होता है। यानी कि ए बी वाला भी पैरेलल है यह भी जीरो हो जाएगा, और डी सी वाला पैरेलल है भी जीरो हो जाएगा। अब भाई बचा ई बी सी और भाई बचा ई डी ए, इनके लिए भी फार्मूला यूज करेंगे, इनके लिए भी फार्मूला यूज करेंगे। ठीक है, चलो एक काम करते हैं, देख लेते हैं बढ़िया से। हमने कहा इनके लिए फार्मूला हो जाएगा v क्रॉस b डॉट वेक्टर l प्लस v क्रॉस b डॉट वेक्टर l। ओके, v और b, देखो b अंदर की ओर है, b इधर है, यानी कि इनके बीच 90 डिग्री का एंगल है। ये हो जाएगा v b l cos थीटा प्लस v b l cos थीटा, इनका भी हो जाएगा वही है सब, ये इस लेंथ के लिए तो वही तो काम कर रहा है। अच्छा एक काम अब करते हैं बेटा, ई बराबर, चलो ई बराबर, ई बराबर ई नेट है भाई, वी बी एल यानी कि वी क्रॉस बी का डायरेक्शन क्या होगा, वी क्रॉस बी का डायरेक्शन देखो ऐसे जा रहे हो, ऐसे है वास्तव में, ऐसे है वी से बी की ओर। देखो इसका सरकमफेरेंस क्लियर करना है, वी से बी की ओर, वी से बी की ओर ऊपर, ऊपर गए तो आपने पाया इधर बनेगा आपका ए वाला ए एल ई, आपका एल बी यही है, बी बी यही, अरे एल बी है यही है, और आपका बेटा वी क्रॉस बी का डायरेक्शन भी यही है, वी क्रॉस बी का डायरेक्शन भी इनके बीच का एंगल जीरो, तो हो जाएगा वी बी एल का जीरो की वैल्यू वन होती है। और वही सेम केस ये भी देगा, सेम वही चीज ही है, वी से बी चलेंगे ये अभी ऊपर जाएगा, और वी क्रॉस बी के साथ ये अभी ऊपर जाएगा, तो यहाँ भी कहोगे सर वी बी एल। अब यहाँ पे थोड़ा कॉन्सेप्ट है, दोनों कहोगे सर टू बी बी एल हो जाएगा, लेकिन एक बात ध्यान देना बेटा, यह एक लूप में चल रहा है, ध्यान दीजिएगा इस बात को, यह चूंकि पूरा एक लूप है, अलग अलग नहीं मैं बोला निकालो, पूरा नेट निकालना है इसका, अलग अलग मैंने नहीं बोला। अब सेल को ड्रा करके देख लो ना, पक्का अगर मैं बोलूं तो बच्चे कहेंगे टू बी बी एल करके आएंगे, टिक मार के अगर ऑप्शन वाला होगा। लेकिन यहाँ पे देखो क्या लोचा है कि अब देखो हमको निकालना है कि सेल किधर प्लस देगा किधर माइनस देगा, तो हम कहेंगे वी से बी चलते हैं, वी से बी चलते हैं, इधर देगा अंगूठा उधर प्लस देगा, यानी कि इधर क्या देगा बेटा, अगर मैं इसी को बना दूं तो ये हो जाएगा प्लस ये हो जाएगा माइनस। ठीक है, अब देखो जरा, अब इसी लूप में मैं चलूं अगर, फिर यही काम, ये हो जाएगा प्लस या हो जाएगा माइनस, यह प्लस और यह क्या हो जाएगा माइनस, जितना ई एम एफ इनका है उतना ई एम एफ इनका है। अच्छा बताओ जरा, ये बेटा ये आपका मान लो ए, रुक जाइए, ए है आपका प्लस और ए माइनस, और दोनों का वी बी एल ही है, यह मान लो 5 वोल्ट का है, ई वी एल का मान, मान लो बी वी एल का मान 5 वोल्ट है, और यहीं से हमने यहाँ पे एक और लगा दिया, एक ऐसे देखो प्लस से प्लस वाला टर्मिनल जुड़ा हुआ है, ध्यान देना इस बात को। अब यहाँ पे मैंने कहा एक और लगा दी हो जरा, ऐसे प्लस का लगा दो, प्लस और ए माइनस, उसी को मॉडिफाई करके यहाँ ला दिया। अच्छा होता इसमें कोई करंट बहेगा, इसमें कोई करंट बहेगा, 5 वोल्ट का यह अभी है, 5 वोल्ट का यह अभी है, यह वाला बहना चाहेंगे तो ये वाला रोक देगा, कहेगा ना मेरे पास उतना ज़्यादा है, कुछ करंट ही नहीं बन रहा है। और एक बात और समझो, आखिर यहाँ पे करंट कोई फ्लो क्यों नहीं हो रहा है, इसे कहो जोड़ के बाहर में कोई करंट पा जाओ तो यहाँ कोई करंट नहीं पाओगे, यहाँ कोई करंट नहीं मिलने वाला, क्योंकि ई एम एफ खत्म हो जा रहा है। करंट क्यों नहीं पाए, क्योंकि ई का मान यहाँ पे जीरो हो गया, डायरेक्शन चेंज हो गया, यह वाला क्या हो जाएगा माइनस या तक लग जाएगा, पूरा आ जाएगा जीरो। नॉर्मली मैथमेटिक लगाओगे तो पक्का आप कहोगे टू वी वी एल आएगा, और मैथमेटिक के साथ अगर फिजिक्स लगाओगे तो कहोगे हाँ सर जीरो आएगा। अभी अभी 5 वोल्ट का, अभी 5 वोल्ट का मेरे पास सेल नहीं है, चलो देखो इधर मान लिया ये दोनों मेरे पास सेल हैं, एक प्लस का है और एक माइनस का है, ये देखो ये प्लस है ब्लैक वाला, ये माइनस है, ये प्लस ये माइनस, ऐसे जोड़ दिया दोनों को, कोई करंट पाओगे क्या, ऐसे कोई रिमोट चलता है क्या, ऐसे कोई बैटरी चलती है नहीं ना, दोनों के लिए ऐसे सीरीज में जुड़ना पड़ता है, तब कुछ बैटरी चला पाओगे या फिर अपना रिमोट चला पाते हो। ठीक है ना, यहाँ पे देखो बहना चाहेगा, आप जानते हो करंट निकलता है प्लस से, यहाँ से बहेगा करंट, लेकिन वो अभी इतना करंट अभी दे दे रहा है, मान लो 5 एम्पियर करंट या दिए हो, 5 अभी दे दिया, दोनों वहाँ के लड़ गए खत्म हो गए।
आखिर करंट क्यों नहीं पा रहा है पूरा? क्योंकि ईएमएफ का मान जीरो आ रहा है। ईएमएफ रहेगा या ईएमएफ का मतलब बेटा पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस है ही नहीं कुछ भी, तो क्या बनेगा? 5 वोल्ट यहाँ भी, 5 वोल्ट यहाँ भी, डिफरेंस है ही नहीं। तुम कहो कि ऐसे यहाँ पे 10 वोल्ट यहाँ पे 10 वोल्ट, तो क्या कोई करंट बहेगा यहाँ पे? नहीं बहेगा। यहाँ पे अगर 8 वोल्ट कर दोगे तो 10 से 8 की ओर बहेगा करंट। ये सब पढ़े हो पीछे। तो बेटा एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जहाँ पे आप अगर अब कोई भी किताब का सवाल लगाओ अपना आराम से लगेगा। एक लास्ट क्वेश्चन वहां से, एक बात हाँ यहाँ पे मैं एक बात और आपको बता दूं, फहरा अब अभी हमने पढ़ा है, अभी अभी जब वी और बी कॉन्स्टेंट होते हैं तो बेटा वेक्टोरियल को हम क्या लेते हैं? डिस्प्लेसमेंट लेंथ। यहाँ पे बताओ डिस्प्लेसमेंट लेंथ क्या है? जीरो है। अरे भाई मान लो यहाँ चला तो यहीं पे खत्म हो गया, तो ऑटोमेटिक क्या क्या दे देगा? ई का मान जीरो दे देगा। और एक फैराडे के लॉ से हमने पढ़ा है, जब तक फ्लक्स में चेंजिंग हो गई तो ईएमएफ बनेगा नहीं। यहाँ पे वी भी कांस्टेंट है, बी भी कांस्टेंट है, जितना देर चल रहा फ्लक्स में, हाँ अगर 10 है तो आगे से तब भी 10 मिलेगा, तब भी 10 मिलेगा। फैराडे के लॉ से भी क्या होगा? ई का मान जीरो होएगा। ये सब बातें आपको अपने माइंड में सेट कर चलनी है। बड़े बड़े एग्जाम देने हैं, ये छोटी छोटी बातें याद रखोगे तुरंत कहोगे जीरो आएगा सर, ये सब लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ओके, तो बेटा इसको मिटा के अगला क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो बेटा आज के क्वेश्चन का, आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है बेटा आपका। क्वेश्चन कुछ ऐसे है, इन्वर्ट मैग्नेटिक फील्ड है, मैंने गोल मतलब कि सर्कुलर लूप रखा है, बी कांस्टेंट मैंने बोला, 4 सवाल बनाया इसी में। इंड्यूस्ड ईएमएफ बताओ क्वाइल में कितना होगा, पूरे क्वाइल में इंड्यूस्ड ईएमएफ तो अभी भी पढ़ गया। वेक्टर मतलब कि जब दोनों कांस्टेंट होते हैं तो डिस्प्लेसमेंट लेंथ ले लिया जाता है, वह जीरो आता है, तो ई का मान जीरो यहाँ पे आएगा। फैराडे के लॉ से भी आप जानते हैं यहाँ पे कोई फ्लक्स नहीं चेंजिंग होने वाली है, तो दैट टाइम ईएमएफ का मान जीरो आएगा, करंट जीरो आएगा। चलो अब हमको देखना है वीए माइनस वीसी। अब इनको देखो, टोटल तो जीरो आ गया, टोटल नेट जीरो बोल सकते हो, लेकिन एक एक पार्ट का मैं बोल दूं, इस पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, तो ये वाला लेंथ आपको लेना पड़ेगा। ओके, अब यहाँ पे मैं पूछूँ कि वी एम एस सी कितना होगा, तो सीधे जवाब दोगे सर, अब मैं जानता हूँ ये एल है तो वी भी इधर है, यानी कि वी बी वी और एल में से कोई दो पैरेलल हो गए तो ई का मान जीरो आता है। देखो एल और वी पैरेलल हो गए तो ये अभी कहोगे सर जीरो आएगा, वी एम एस सी जीरो आएगा। चलो सीधे सीधे बता रहा हूँ, अगर पीछे वीडियो गिव अप करके आया हो ना तो यहाँ पे समझ भी नहीं पाओगे। अब मैंने पूछा वी बी माइनस वी डी बताओ, वी बी माइनस वी डी बताइयो ऐसे, अब ये वाला ये परपेंडिकुलर चल रहा है, सीधा सीधा केस है यार, देखना जरा ऐसे देखना, यहाँ पे बढ़िया है। देखो ये लेंथ है, ए आपका वी है और अंदर आपका बी मिलेगा, तीनों मुचुअली परपेंडिकुलर हैं, तो कहोगे सर मुचुअली परपेंडिकुलर हैं तो इसका मान क्या आ जाएगा? बी वी एल आ जाएगा, कोई थीटा उटा लगाना ही नहीं है। बट चिन्ह देख लो एक बार चिन्ह, कि ये क्या माइनस का है प्लस का है, कौन सा हायर पोटेंशियल है कौन सा लोअर है, दोनों में से देखना पड़ेगा आपको। तो आपको क्या करना है, देखो वी से बी की ओर जाना है, क्या करना है आपको बेटा, इसको पकड़ के आना है वी से बी की ओर, ऐसे आओगे। मैं एक बार 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 मैं कहता हूँ बेटा, देखो एक मिनट बेटा, कहाँ मैंने गया, ए बी माइनस वी डी है ना, बी बी माइनस वी डी है, और हाँ ये देखना जा रहा, ए मैं अंदर जा रहा, अंदर 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 जा रहा, ध्यान देना मैंने पीछे गलती कर आउट बार ले लिया था। इन्वर्ट है और ए बी है, ठीक है, और इनको आपको बी से वी की ओर जाना है, वी से इस वाले लेंथ के लिए। देखो इन्वर्ट मैग्नेटिक फील्ड है और यह वी है आपका, इन्वर्ट मैग्नेटिक फील्ड है और यह वी है, और आपको आप जानते हो वी से बी की ओर अपने राइट हैंड को क्रॉस करो, वी से इनको आराम से ऐसे ही कर लो ना, ऐसे कर लो ऐसे, मैंने आपकी कहा ना बेटा बस लग रहा है कि यहाँ आसान सा होगा, लेकिन जब तक प्रैक्टिकल नहीं करोगे तब तक अच्छे अच्छे लोग फंस जाते हैं, दिमाग काम करना बंद कर देता है, ठीक है। तो क्या देखा आपने, ए वी है ए बी है, तो सर्कमफेरेंस को घेर लो, सर्कमफेरेंस को घेर लो, ऐसे लो ऊपर जाएगा, ऊपर वाला क्या होगा ए प्लस होगा, यानी कि और ये क्या होगा माइनस बनाएगा, तो वास्तव में ए प्लस में से माइनस घटा रहे हो, बड़े से छोटा घटा रहे हो तो यही आएगा, ठीक है, ध्यान देना। सर्कमफेरेंस को घेरना है, सर्कमफेरेंस को देखो वी अंदर बी बाहर, इसका सर्कमफेरेंस यही आएगा, यही सर्कमफेरेंस बनेगा, इन्हीं को घेर लो ऊपर जाएगा। चलो अब लास्ट देखते हैं बेटा, चौथा
वी ए माइनस वी बी कितना होएगा यार? अब की बात अब की लोचा कर दिया इन्होंने। चलो मान लेते हैं ये आर है, तो ये अभी आर होगा, ये अभी आर होगा, ये अभी आर होगा, सेंटर है इसका बेटा। वी ए माइनस ये लेंथ अब की बार हाई से पड़ गया, हाई से। अच्छा ये आर तो भाई जानते हो कितना होगा, रूट टू आर होगा, क्योंकि एक राइट एंगल ट्रायंगल है। बी अपना बेचारा ऐसे टान के जा रहा है, ठीक है, बी टान के अपना जा रहा है। चूंकि जानते हो ये एक बेटा किसमें, एक फर्स्ट किसी कोऑर्डिनेट में है, आई बात समझ में, किसी कोऑर्डिनेट में, तो हाई बेटा हाई एंगल वा कितना होगा आई। और एक बात और जान लो, देखो यह एक समबाहु त्रिभुज है, अरे सर समद्विबाहु त्रिभुज है, यह अभी आर यह अभी आर, समद्विबाहु त्रिभुज दो कोण बराबर होंगे, ये अभी 45 अभी कितना होगा 45। देखा मैथ हो लग गया बढ़िया से, जिसका दिमाग नहीं काम करे वो जान ही नहीं पाएगा क्या हो रहा है। 45 ये अभी हो जाएगा, ये अभी 45 ही होएगा। चलो कोई बात नहीं बेटा, मैं यहाँ पे लगाऊंगा फार्मूला, ये मान लो निकालना है ई का मान निकालना है, अभी प्लस माइनस का लोचा देख लेंगे क्या कहता है क्या नहीं कहता है। ये हो जाएगा वेक्टर वी क्रॉस वेक्टर वी डॉट वेक्टर एल, वी क्रॉस वी का मतलब क्या, वी से वी की ओर जाओ आप, देखो ए आपका V है, इधर V है, A आपका इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड भी है, ऐसे बना लियो ऐसे, ये बनेगा 90 डिग्री, हो जाएगा VB, L का मान L मिला के पूरा बोल दो VB, L cos थीटा, L और थीटा का मान निकाल लेते, VB का डायरेक्शन क्या होगा, VB का बेटा देखो जरा, एक मिनट बेटा एक मिनट, और आपको लेंथ लेनी है कितनी, रूट टू आर लेनी है बेटा, आपको यहाँ पे लेना है L का मान रूट टू आर हो जाएगा, और थीटा देखो जरा cos थीटा देखो कितना बनेगा, देखो जरा V क्रॉस B का डायरेक्शन क्या है, V क्रॉस B, ये देखो V क्रॉस B यही ना इन्वर्ड है, तो ये कहोगे सर ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा ना V क्रॉस B का डायरेक्शन, अगर बेटा और जानते हो भी, जानते भी हो कि जो ये V क्रॉस B आएगा ना वह क्या होगा, इनके परपेंडिकुलर होगा, और मैग्नेटिक फील्ड है ही, तो है पूरा 90 होगा, ये हो गया 45, चाहे कितना होगा ये होगा 45, यहाँ पे क्या रख लेते हैं 45 रख लेते हैं, ये हो जाएगा E बराबर cos 45 हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा वी वी रूट टू आर गुड़े 1/√2 इकट्ठे कट्टे सॉरी ए वाला, ये हो जाएगा E बराबर वी बी आर। अब देखना पड़ेगा यार किधर प्लस देगा बेचारा, किधर माइनस देगा, किधर प्लस किधर माइनस देखना पड़ेगा ना, अभी प्लस का आएगा कि माइनस, हमको देखना है वी ए माइनस वी बी देखना है बेटा कितना आएगा। चलो वी ए माइनस वी बी, वी ए माइनस वी बी, अच्छा तिरछा जन समझ में आया ना, एक बात और देख लो, अगर तिरछा समझ में ना आए तो इनको ऐसे खड़ा कर लो, तिरछा अगर नए उंगलियाँ घूमे आपकी तो ऐसे खींच मान लो खड़ा है, इसे वी से बी की ओर जाओ, वी से बी की अब तो जा सकते हो ना, छोड़ो तिरछा का लोचा छोड़ो, इनको तो थे से खड़ा कर लो, परपेंडिकुलर कंपोनेंट ले लेते, परपेंडिकुलर कंपोनेंट ही होगा, चाहे यहाँ खड़ा कर लो चाहे इधर यहाँ खड़ा, अरे भाई ऐसे है, चाहे यहाँ खड़ा कर लो चाहे यहाँ खड़ा कर लो। अब देखो वी से बी की ओर जाओ तो ऊपर क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है, यानी कि हाई वाला क्या होगा, बी वाला प्लस होगा, बी वाला क्या होगा बेटा प्लस होगा, यानी कि मैं बताऊं तो हाई हो जाएगा प्लस, हाई क्या होगा माइनस, और वी ए माइनस मैंने बी भी पूछा है, और ए है, और ये क्या है बी है, छोटे से बड़ा वाला घटा रहे हो, तो वास्तव में यहाँ पे कितना आएगा, वी ए माइनस वी बी बराबर वी बी आ रहा है, वो भी बेटा माइनस में, क्योंकि छोटे से बड़ा वाला घटा रहे हो ना, इसलिए मैंने बोला ऐसा। ओके तो अब आज का क्वेश्चन यहीं पे खत्म होता है, इससे बेटा बड़ा सवाल आपको नहीं मिलने वाला, और अगर आपकी किताब में क्वेश्चन है तो अब लगाओ झूम झाम के लगाओ, एक भी क्वेश्चन अगर बेटा अगर गिव अप करना पड़ता है तो जान जाओ कि पढ़ाई बेकार है। अब इसके बाद से आपके 12 की बुक का तो क्वेश्चन गिव अप होगा ही नहीं, अब वो आराम से लगता जाएगा, लगता इससे बड़ा सवाल मिलने वाला नहीं, बस आपका माइंड एक्टिव होना चाहिए, ठीक है ना। तो फिर आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में बेटा, कौन सा लेके प्रॉब्लम, अब रेल प्रॉब्लम लेके आएंगे आपके सामने, कि मतलब कि ऐसे कुछ के बड़े बड़े रॉड होंगे उनको कैसे EMF निकालना होगा, रेल बनाएंगे इमेजिनरी बनाएंगे आराम से। तब तक के लिए आप पढ़ते रहो लगाते रहो, सवाल ऑल द बेस्ट।